बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में आपने कि अपने दांतों को मजबूत कैसे करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे दांत घिसने शुरू हो गए हैं, जड़ने शुरू हो गए हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे दांत कभी भी कमजोर हो ही ना, हमेशा मजबूत रहे। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं 7 ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी और 7 ऐसी चीजें जो आपको हर रोज करनी है अपनी डेली लाइफ में, जिससे आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सानी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैंने आपके साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आपको बताया है, जिससे अगर आपके दांत घिस चुके हैं तो आपके दांत पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को हम 2 तरीके से प्रोसीड करेंगे। पहले समझेंगे कि किन चीजों से हमारे दांत कमजोर होते हैं, दूसरा हम समझेंगे कि क्या क्या बदलाव किया जाए जिससे हमारे दांत मजबूत हो जाए। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहला समझते हैं, पहला रीजन जिस कारण हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, और वो है हमारी डाइट। हम क्या करते हैं, बाहर वाली चीजें, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिस कारण क्या होता है, हम प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम और मिनरल्स का इंटेक नहीं करते अपनी प्रॉपर डाइट में। तो आपको करना ये है, आपको घर वाला भोजन जिसमें आपको प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम और मिनरल्स मिले, ताकि आपके बॉडी के साथ साथ आपके दांत भी स्वस्थ रहें। आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए डायरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन बढ़ाइए, जिस कारण क्या होंगे, उनमें कैल्शियम होता है और हमारे दांतों को मजबूती मिलेगी। और अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी, उसमें मैंने बताई थी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको चेंज करनी है अपनी डाइट में, वो जाकर जरूर देखिए, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही पावरफुल वीडियोस मिलती है जिससे आपकी ओरल हेल्थ इंप्रूव होती है। बात करते हैं दूसरा रीजन जिसके कारण हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, वो है हम अच्छे से ब्रश नहीं करते। कुछ लोग लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कुछ लोग वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत जोर जोर से ब्रश करते हैं, बिल्कुल गलत ब्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। इससे ये होता है कि हमारे दांत की बाहर वाली लेयर जो होती है इनेमल, वो घिसने लग जाती हैं। और करना आपको क्या है, आपको राइट ब्रशिंग टेक्निक और सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से अपने दांतों को ब्रश करना है। अक्सर लोग यहाँ भी गलती करते हैं, हार्ड ब्रिस्टल वाले ब्रश से वो दांतों को ब्रश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे दांत घिसने लग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो आज से याद रखिए, आपको राइट ब्रशिंग टेक्निक करनी है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी चैनल पर, 7 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है टूथब्रश के वक्त, वो भी जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। और प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ब्रशिंग की, कि कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए, इसी कारण मैंने आपको कहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा कारण है जिस कारण हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाली ड्रिंक्स का कंजप्शन करते हैं। इससे ये होता है उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है, और हमारे जो दांत की बाहर वाली लेयर है इनेमल, वो बेसिक नेचर की होती है, और एसिडिक और बेसिक चीजें आपस में रिएक्ट करती है, जिस कारण क्या होता है, हमारी बाहर वाली लेयर इनेमल घिसनी शुरू हो जाती है। और यही कारण है लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे दांत घिसने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का कम से कम कंजप्शन करना है। और याद रखिए, जब भी अगर आपको फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स का अगर आपने कंजप्शन करना ही है, तो स्ट्रो से, पाइप से कोल्ड ड्रिंक को पीजिए। इससे क्या होएगा, जब आप पाइप से, स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे, तो कोल्ड ड्रिंक डायरेक्टली आपके दांतों के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी। इससे भी क्या होएगा, आपके दांत मजबूत रहेंगे अगर आप ये छोटा सा बदलाव कोल्ड ड्रिंक पीने वक्त कर देंगे। चौथा रीज़न जिस कारण हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, टूथब्रश करने वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में टूथपेस्ट लगा देते हैं, जिस कारण क्या होता है, जब हम टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा लगाकर लंबे समय तक ब्रश करते हैं ना, हमारे दांतों में अब्रेजन, हमारी इनेमल लेयर घिसनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो टूथपेस्ट आपको लेनी है ना, वो पीनट साइज जितनी लेनी है, जो मटर का दाना होता है ना, उतनी अगर आप टूथपेस्ट लेंगे ना, वो मोर देन सफिशियंट है आपके दांतों को साफ करने के लिए। पांचवा कारण जिस कारण हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सोते हुए अपने दांतों को पीसने की, टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है, जिस कारण क्या होता है, हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और इनेमल लेयर घिस जाती है। और अगर आपको भी ये आदत है ना, तो आप क्या कीजिए, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट आपको नाइट गार्ड्स बनाकर देगा, जो आपको सोते समय पहनने हैं और फिर सोना है। इससे क्या होएगा, आपके दांत मजबूत रहेंगे। छठी चीज, जब हम माउथ वॉशिस का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हमारे दांत
कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, सेंसिटिविटी फील होनी शुरू हो जाती है, तो आपको कम से कम माउथ वॉशेज का इस्तेमाल करना है। सातवीं चीज़ जिस कारण हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, घिसने शुरू हो जाते हैं, जब आपको कोई मेडिकल सिस्टमेटिक डिसीज़ हो या डायबिटीज़ वगैरह, क्योंकि जब हम लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं इन सभी बीमारियों में, तो उसके एडवर्स इफेक्ट से कभी कभी हमारे दांत क्या होते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो ये सात चीज़ें थी जिस कारण हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और सात चीज़ें जो मैंने आपको बताई जो आपको हर रोज़ करनी है, और उनका जरूर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कीजिए, और मैं वादा करता हूँ अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। अब बारी आती है कि अगर आपके दांत घिसने शुरू हो गए, झड़ने शुरू हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे रह चुके हैं, तो उस केस में आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट आपके दांतों की RCT करेगा और आपके दांतों पर कैप लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होएगा, आपके दांत पहले जैसे नॉर्मल तरह से दिखेंगे और देखने में भी बड़े अच्छे लगेंगे, और आपको दर्द वगैरह भी कुछ भी नहीं होएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस का शेयर होना बेहद जरूरी है। और प्यार बनाए रखिए, और इनवाइट करना चाहूँगा, भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटिस्ट की। मेरा एक ही मिशन है कि आप सभी लोगों की सेवा करना, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जिससे आपके दांतों की हेल्थ इंप्रूव हो सके। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रदीप सैनी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।